You're on Navratri fast? I'm also, that's why you should have been born a Bengali. सब कुछ खा सकते हैं नीलेश नवरात्रि है क्या खाएगा यार आम पापड़ का चटनी खाओ लूची के साथ और राइस के साथ दाल 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 तो काफी खा सकता है. चलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार. मेरे कपड़े देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ. दुर्गा पूजा का त्योहार है और मुझे बंगाली भोग खाने का मन कर रहा है. तो मैं जा रहा हूँ अनन्या बैनर्जी के घर. अनन्या बैनर्जी जो एक एक्सपर्ट बंगाली कुक है, यूट्यूबर है और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है. तो चलते हैं अनन्या के पास और उसे पूछते हैं कि खाने में क्या है. तो हम अनन्या के घर में पहुंच गए हैं और यह है अनन्या जो सिर्फ एक एक्सपर्ट नहीं बंगाली क्विजीन में फैंटास्टिकली रैविशिंग दिखती भी है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बंगाली फूड. आई थिंक द बंगाली कुक आल्सो हैज टू लुक रियली नाइस, डोंट यू थिंक सो? इट इज माई थियोरी बट द ब्यूटी इज ऑल्सो इन योर फिंगर्स. आपके खाने के गुण तो सभी गाते हैं. तो tell me about your Bengali food journey. Bengali food journey started from birth. Because I come from a family where everybody is a good cook. और एक बात है जो बॉम्बे में रहने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि नवरात्रि के टाइम लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं. नहीं होता. They don't do that. तो यही जो मिसकंसेप्शन है कि पूजा है तो वेजिटेरियन खाना होना चाहिए. एक अष्टमी के दिन होता है ना वेजिटेरियन. थोड़ा सा पुष्पांजलि देने तक. अच्छा, उसके बाद मटन बाहर आता है. मुगलाई परोटा से लेके कोशा मांसो सब कुछ सब कुछ. देयर इज अ टर्म इन बंगाली कोबजी लुबिए खाना. इसीलिए मुझे ये बंगाली लोग सब पसंद है. See, these are the 4 or 5 days I feel, अपने जितना भी स्ट्रेस है लाइफ में सब भूल के वी वेयर गुड क्लोथ, वी लुक गुड, वी ईट good food. So, and wear new clothes every day. So Saptami will be one something, then Ashtami will be grander, then Navami will be something else. So it's good fun. We all have devils inside us. So that to curb that and bring out the goodness, that is the true essence of Durga Puja. To kill the devil inside you. Yeah. Fantastic. The only way the devil inside me can die is when I eat good food. तो मेरा अंदर का शैतान जो होता है आई एम इन द राइट प्लेस. आपने आजकल काफ़ी खाना बनाया है, स्पेशलिटीज, बंगाली स्पेशलिटीज, और हम एक डिश बनाने वाले हैं. तो हम बनाते हैं वो जो क्या बनाने वाले हैं हम लोग. चिंगड़ी मलाई करी, विच इज माई फेवरेट एक्चुअली. एंड हाउ डू यू प्रोनाउंस इट इन बंगाली? मलाई. मलाई करी. तो जाते हैं आपके किचन में और बनाते हैं चिंगड़ी मलाई करी और फिर खाते हैं. तो यही है वो चिंगड़ी जो आप कह रही थी लॉबस्टर के जैसी बड़ी बड़ी है. हाँ, और इसको आपने पैरिनेट किया है? जस्ट सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर. ओके. इसको बंगाली में बोलते हैं गोल्दा चिंगड़ी. गोल्दा चिंगड़ी. चिंगड़ी विल आल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स. ओके. सो गोल्दा चिंगड़ी इज यूज्ड फॉर मेकिंग मलाई करी. हमारे में भी बनाते हैं जहाँ हेड बड़ा होता है, लेकिन हम उसे कोशा कहते हैं. कोशे. कोशे कोलंबी. कोशे.
यू नो बट इट्स लाइक दिस, देयर इज मोर हेड देन फ्लेश. तो ये है ये पूरी चिंगड़ी जिसका हेड बड़ा है और बॉडी भी यहाँ तो ये भी काफी कंपैरेटिव छोटा है. सुपर. मैं ऐसे खा जाऊंगा कच्चा. सो मस्टर्ड ऑयल गोज इन फर्स्ट ऑलवेज. क्विंटेसेंशियल मस्टर्ड ऑयल. यस. फर्स्ट वी नीड टू सॉटे द चिंगड़ी सेपरेटली. ओके. लेट इट हीट अप. द ऑयल इज रेडी टू टेक द चिंगड़ी. ओके. लवली. As you know that you should not overcook. Okay, because chingdi fatafat cook ho jati hai actually. Once it changes color, and when it curls up, you know it's done kind of cooking. Yeah. Yeah, changes color to red. वैसे तो इसे दो या तीन मिनट में भी नहीं लगते एक्चुअली कुक होने में. तो इसे अभी निकालते हैं क्योंकि ये थोड़े फ्राई हो गए हैं. प्रॉन्स फ्राई करके हो गए, अभी शुरुआत करते हैं. तेज पत्ता और जीरा. भून लेते हैं ताकि प्याज और टमाटर पके थोड़ा. अच्छा. स्मेल चला जाए. एट दिस स्टेज आई विल ऐड अ लिटिल शुगर. यू नो दिस शुगर इट वोंट मेक इट स्वीट बट देयर इज अ बैलेंस. देयर इज अ स्वीटनेस व्हिच इज इनहेरिट इन दिस ग्रेवी. सॉल्ट. हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर. I know. So, dhaniya, jeera, red chili powder, haldi. Yeah. First, these four. Then, the coconut milk will come. Oh, this coconut milk? Shall I put? Yes, please. Put most of it, just a little bit for final. I will leave it so much. Yes. Yeah. मुझे कहिए बंगाली कुकिंग में कोकोनट अदरवाइज जाता है या नहीं जाता? कोकोनट अदरवाइज नहीं जाता इतना नहीं जाता. ये रेडी हो गया आपका मसाला. मसाला रेडी होगा. अभी प्रॉन अंदर फ्राई करके रखा है वो अंदर जाता. ठीक है, मैं डालता हूँ एक एक करके. यम. ओहो. इसको कवर करते हैं एक या दो मिनट के लिए. जस्ट ग्रेवी शुड गेट इनटू द प्रॉन. ओके. सुपर्ब दिस लुक्स. बहुत अच्छा. अभी क्या कर रही हैं आप? थोड़ा सा इसमें सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लिया है. थोड़ा सा घी. फ्यू ड्रॉप्स घी एंड गरम मसाला. नाउ दिस गरम मसाला इज बंगाली गरम मसाला. आई टेल यू व्हाट इट इज. इट्स कार्डमम सिनेमन एंड क्लव्स ऑल ग्राउंड इनटू इक्वल प्रोपोर्शंस एंड ग्राउंड. ओके. कार्डमम सिनेमन एंड क्लव बस दैट्स इट. सो बंगाली गरम मसाला गोस. बंगाली गरम मसाला इज अ टिपिकल फ्लेवर बट आपने जो गार्निश का अलग से रखा था. हां थोड़ा सा ऊपर से कोकोनट. सुपर्ब अनन्या, थैंक यू वेरी मच. अभी मुझे आप कहिए कि बंगाली में कैसे कहते हैं कि चलो खाना खाते हैं. चलो खावा जाक. ऑलराइट, चलो खावा जाक, लेट्स गो.
अभी मुझे लग रहा है कि मैं फेस्टिवल के बीच में हूँ, कि मेरे हर जगह माहौल बन गया है दुर्गा पूजा का और मैं भोग खा रहा हूँ। शुरू करें, बहुत भूख लगी है। ट्रेडिशनली कैसे शुरू करना चाहिए? Traditionally, you can have this like a starter. This deviled egg as a starter. So it's boiled egg है, boiled egg जिसको कीमा से cover किया है और फिर deep fry किया है, crumb fried किया है. Deviled, deviled. You can have luchi with chola dal. You can have luchi with kosha mangsho. That's a combo. I love luchi with kosha mangsho. I'm a big fan of kosha mangsho. That also there's a story in Sham Bazar area. If you go to Calcutta, you must visit that place. Mm-hmm. Some 100-year-old eatery. Mm-hmm. It's called Golwadi. Golwadi. Golwadi kosha mangsho is very famous. They make it totally black like this. Like this. Mm-hmm. It can vary from house to house, mm-hmm. Restaurant to restaurant. So this is more Golwadi style, which is. Or ye luchi is a typical Bengali puri made out of full maida, na? इसलिए इतना टेस्टी है. दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट कोशा मांसो. इसे प्याज का थोड़ा मिठास आता है. इसको सूखा मटन है, ये बहुत सारा प्याज कैरमलाइज होके मसाला भी होता है, मिठास भी होती है और एक स्मोकीनेस आता है इसको. हाँ, मुझे एक्चुअली इतनी लुचि नहीं खानी चाहिए, लेकिन कोशा मांसो भी इतना टेस्टी है. अब क्या खाए? चिंगड़ी मलाई करी विद चूनी विद द बासुंती पुलाव. द बासुंती पुलाव, बासुंती मींस येलो. ओके, सो इट्स येलो पुलाव. दैट्स इट्स अ वेरी सिंपल पुलाव. ये आ गई मेरी चिंगड़ी मलाई करी. और ये शर्मा की नहीं खा सकते इसको. No. इसको ऐसे ही खाता चाहिए. क्रैब्स एंड प्रॉन्स यू हैव टू बेशरम 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 करके खाना चाहिए. एक्चुअली मैं मुझे अगर मेरी माँ देखती मुझे तो बोलती दो हाथ कभी यूज नहीं करने चाहिए, एक हाथ में ही करना चाहिए. And I will take some rice with this. इसी में सबसे ज्यादा स्वाद है. जब बातें कम होती है ना, कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा है, इसलिए बातें कम होती है. लेकिन आप खा नहीं रही तो आपको अगर बात करनी है तो प्लीज कीजिएगा बात. मैं खा रहा हूँ. No, it's a pleasure watching you eat because you are doing full justice. A Bengali soul will be happy to when they see that chingri is done justice to when you eat. So fish लेते हैं. आहा, this fish looks really fresh. फ्रेश वाइट कलर फ्लैश. और ये जो बनाया है आपने वो कलिया वो ग्रेवी उसकी आई हैव अनियन टोमेटोज दैट गोज इनसाइड द ग्रेवी. नो गार्लिक. नो गार्लिक. नो गार्लिक. गार्लिक नहीं है फिर भी फिशी स्मेल नहीं है उसको. सो पुकुरिन माच व्हिच इज लाइक द फ्रेशेस्ट. Yeah, the Bengalis are famous for the and जो बम्बई में रहते हैं या कि दिल्ली में रहते हैं वो भी बंगाली ढूंढने जाते हैं कि हमें रिवर फिश कहाँ से मिले. Like Delhi, if you go, they'll go come all the way to Chittaranjan Park and buy their fish. They might be staying somewhere very far away. So that's the Bengali love for fish. फिश हो गया. अभी मीठा हो जाए. दाल चावल खानी है अभी. क्या आप मुझे दाल चावल भूल गई आप. Chana dal will be eaten with the this thing only, no? Rice ke saath. Luchi, 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 luchi ke saath. Mujhe luchi, luchi hai ek, baki luchi. Chana dal aur luchi. Chola dal. Chola dal. Chola dal aur luchi.
ये जो दाल है ना वो जिंजर है इसमें, थोड़ा मीठा है, जिंजर है, दाल भी जो है अक्खा अक्खा है, फुल दाल है तो इसमें क्रंच आता है और एक कोकोनट पीस क्रंच हो कोकोनट में। यू आर लुकिंग वेरी डिसगस्टेड विद मी कि बाबा ऐसे नहीं खाते यार, ऐसे नहीं खाते, हमारे में ऐसा नहीं करते। इसीलिए आई वाज आस्किंग यू कि पूछ के खाना अच्छा है ना। अब जैसे अनान्या ने कहा है मैं अभी मीठा खाऊंगा। फ्रेश रसगुल्ला, आई हैव कवर्ड इट विद रबड़ी, कांट गेट मोर सिंपल, एंड देन बेक्ड इट सो दैट इट गेट्स दैट कैरमलाइज्ड कलर, एंड आई एडेड अ बिट ऑफ नोलेन गुड़, नोलेन गुड़, सो दैट गिव्स दैट क्रिस्पी, द डार्क जैगरी ना, लिक्विड गोल्ड, आई लव इट व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ पैशन फॉर योर फूड, एंड दिस इज लुकिंग सो नाइस। What a wonderful way to end a great meal. Really, really nice. तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू